अखई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का ये पॉपुलर सॉन्ग 1978 में आई फिल्म डॉन का है, जो जितनी ज्यादा अपनी कहानी के लिए प्रसिद्ध हुआ, उतना ही फिल्म के गानों ने भी दर्शकों में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। इसके चलते फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई। खबरों के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर एक बार फिर से इस फिल्म के थर्ड पार्ट को बनाने वाले हैं। जी हाँ, जल्द ही हमें डॉन 3 देखने को मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डॉन 3 के बारे में बताएंगे, कौन होगी स्टार कास्ट, क्या होगी कहानी और फिल्म कब तक आएगी। अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, और बॉलीवुड की सुपर हिट फिल्म के लिए लाइक तो बनता है ना दोस्तों। साल 1978 में आई फिल्म डॉन एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी, जो चंद बरोट के डायरेक्शन में बनी थी। ये फिल्म उन फिल्मों में से एक थी जिसकी कहानी के साथ साथ गानों को भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया। साथ ही फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन के डबल रोल को भी बड़ा पसंद किया गया। इसके चलते इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर ली, और इसी खासियत की वजह से 2011 में इस फिल्म के सीक्वल को लाया गया, जिसे फिल्म निर्देशक फरहान ने डायरेक्ट किया। लेकिन इस फिल्म में अभिनेता अमिताभ बच्चन नहीं, बल्कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान मेन लीड एक्टर के तौर पर डॉन का किरदार निभाते हुए दिखे, और इनके अपोजिट अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को रोमा का किरदार निभाते हुए देखा गया। फिल्म में शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की लव केमिस्ट्री को बड़ा पसंद किया गया, और इसी के चलते ये फिल्म कामयाब हो गई, जिसके बाद दर्शकों के बीच इस फिल्म के थर्ड पार्ट को लेकर डिमांड बढ़ने लगी। तो चलिए, आप भी इस फिल्म के थर्ड पार्ट को देखने के लिए तैयार हो जाइए। जी हाँ, खबरों के मुताबिक फिल्म डायरेक्टर फरहान अख्तर एक बार फिर से फिल्म डॉन 3 के साथ बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया और फिल्म एक्शन से भरपूर होने वाली है। लेकिन इस बार फिल्म का क्लाइमैक्स कुछ अलग अंदाज में प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें कई तरह के ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। साथ ही फिल्म में एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें स्टारकास्ट की, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग खान यानी शाहरुख खान मेन लीड एक्टर के तौर पर डॉन का किरदार निभाते हुए दिखेंगे, और इनके ऑपोजिट अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को नहीं बल्कि अभिनेत्री काजोल को अभिनय करते दिखाया जाएगा। और जब भी शाहरुख और काजोल की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ आई है तो इन्होंने तो तहलका मचा दिया है। वहीं बात करें फिल्म के विलेन के बारे में, तो अभिनेता नील नितिन को फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाते हुए देखा जाएगा, जो पहले भी कई फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाएं कर चुके हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी फिल्म में काम करने के लिए कोई हाँ नहीं की है, जिसे देखकर लगता है कि अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जब से दर्शकों को पता चला है कि फिल्म आने वाली है तो उनमें तो क्रेज बढ़ गया है। तो दोस्तों, क्या अभिनेत्री काजोल फिल्म डॉन 3 में प्रियंका चोपड़ा का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दो। और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी चटपटी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।